हौसला मुझे मिला आप लोगों की वजह से, और मेरे घर वालों ने जिस तरह से मुझे मेरा ख्याल रखा, जिस तरह से मेरे खाने का, मेरे आराम का, मेरी दवाई का, सबको उनके लिए उनको भी शुक्रिया। हालांकि शायद अस्सलाम वालेकुम, और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल लाइफ ऑफ बाजिद। मैं वेलकम करता हूँ आप सब दोस्तों को अपने इस YouTube चैनल में। सो दोस्तों, आज मेरे फादर फिरदौस जमाल की 6th कीमो है, एंड अल्हम्दुलिल्लाह आप सब लोगों की दुआओं से उनकी 5 कीमो बहुत अच्छी हुई हैं। सो उनके लिए ख़ास दुआ करें कि अल्लाह पाक उनको सेहत दे, सेहत वाली ज़िंदगी दे। और जितनी आप लोगों ने उनके लिए दुआएं की हैं, और दुनिया भर से उनके लिए दुआएं आ रही हैं, पाकिस्तान पाकिस्तान से बाहर, आप सब लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप लोगों के सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ, और सब उनको भी पढ़ाता हूँ, उनको भी दिखाता हूँ कि कितने चाहने वाले आपके इस पूरे पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर मौजूद हैं, जो इतनी दुआएं कर रहे हैं आपके लिए। सो आप अपनी हिम्मत को पकड़ के रखें, इंशाल्लाह आप बहुत अच्छे हो जाएंगे और सेहतमंद हो जाएंगे। सो अभी उनकी 6 कीमो है, और उसके बाद इंशाल्लाह उनका MRI स्कैन होना है, वो पता चलेगा उसमें कि अब फर्दर उनकी बॉडी कंडीशन क्या है और कैंसर अब कहाँ तक है। सो अल्लाह से बड़ी उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस कीमो के बाद MRI उनका बिल्कुल क्लियर आएगा। आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, उनके लिए बहुत दुआ करें, और इंशाल्लाह वो इस चीज़ से निकल आएंगे और फिर आप लोग के सामने आएंगे, आपके स्क्रीन्स पे आएंगे, और फिर वही ड्रामे, वही सारी चीज़ें होंगी। तो बहुत शुक्रिया, अब आप लोग की उनसे बात भी करवाता हूँ, उनसे मिलवाता भी हूँ आपको। सो अभी उनकी कीमो लगने वाली है, उसके बाद फिर आपकी उनसे बात भी करवाता हूँ। बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, अभी मैं इस वक्त मौजूद हूँ कैंटीन में, अनमोल कैंटीन है ये, और इस वक्त मैं आया हूँ थोड़ा सा नाश्ता करने, और क्योंकि उनकी कीमत शुरू होने वाली है, उसके बाद मैं उनके पास जाऊँगा। तो मैं सुबह सुबह आया थे अर्ली मॉर्निंग, तो अभी नाश्ता नहीं किया, तो नाश्ता करता हूँ और उसके बाद फिर आपकी उनसे मुलाकात भी करवाता हूँ, बात भी कराता हूँ। तो मेरे साथ यार एक सैंडविच लगा देना। जी, इस वक्त नाश्ता आ गया है अनमोल कैफेटेरिया में, ऑमलेट, स्लाइस ऑमलेट और चाय का नाश्ता कर रहे हैं जी सब। तो आपको भी बार में बहुत शुक्रिया, आपको भी जजाया शहर ने, जितने भी आपके कलीग्स हैं जिन्होंने इतनी मेहनत से मुझे ट्रीट किया। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आपके दरमियान गर्म करे, आपको खुशियाँ दे, मुसीबत है और तकलीफें अदा करें, इस पर कुछ सही लगाए। तो आप लोगों ने बहुत ख्याल रखा, और आपको जलाया खैर थे, वैसे ही आपकी ड्यूटी है, लेकिन फिर भी हमारा फर्ज है कि हम आपको शुक्रिया अदा करें, क्योंकि आपका बड़ा ये दर्शन जो है ना, ये बड़ा नेक काम है, आप व्यक्ति होंगे अल्लाह के बंदों का ख्याल रखते हैं, उनके इलाज करते हैं, व्यक्ति होमारही। अस्सलामुअलैकुम तमाम दोस्तों को, चाहने वालों को, प्यारों को मेरा सलाम और शुक्रिया। जिन जिन दोस्तों ने मेरे लिए इस मुश्किल वक्त में, चूँकि घड़ी जो है ये बीमारी की ये मुश्किल घड़ी होती है, और ये मुश्किल से गुजरती है, और वो जैसे एक शेर है ना कि महीने, अल्लामा साहब, महीने
वसल के महीने, वसल के घड़ियों की सूरत उड़ते जाते हैं, मगर घड़ियां जुदाई की नहीं कटती महीनों में। लेकिन मेरी इस तकलीफ में जितना लोगों ने, मेरे घर वालों ने, बच्चों ने, दोस्तों ने, चाहने वालों ने, रिश्तेदारों ने, अजीजों ने, सब मेरे जितने फैंस हैं, जितने मेरे मेहरबान हैं, सब ने बहुत दुआएं की और बहुत प्यार दिया और बहुत हौसला मुझे मिला आप लोगों की वजह से। और मेरे घर वालों ने जिस तरह से मुझे, मेरा ख्याल रखा, जिस तरह से मेरे खाने का, मेरे आराम का, मेरी दवाई का, सब को, उसके लिए उनको भी शुक्रिया। हालांकि खैर उनकी फर्ज है, लेकिन फिर भी मेरा बड़े होने के नाते उनका शुक्रिया अदा करना तो बनता है। तो अल्लाह ताला आप सबको अपनी जुबान में रखे हर किस्म की तकलीफ से, और ख़ास तौर पर ये जो बीमारी है, कैंसर की जो बीमारी है, अल्लाह तबारक तआला तमाम इंसानों को इससे महफूज रखे, तमाम बीमारियों से, खुसूसन हमारे जो मुसलमान भाई हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को बीमारियों से, तकलीफ़ों से महफूज रखे। हम पाकिस्तानियों को, मेरे हमवतनों को अल्लाह आबाद और शाद रखे। आप लोग सलामत रहें, मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए दुआएं करें कि अल्लाह ताला इनको भी अपने रुमान में रखे। छठी कीमो है, छठी कीमो थी। ऐसे देखो, मुझे ये भी है यार, मेरा हाफ़ज़ा इतना कमज़ोर हो गया कि मुझे ये नहीं पता कि मुझे कितनी कीमो लग चुकी है। ये छठी कीमो थी, छः कीमो मुझे लगी है। अब इसके अलावा बाकी क्या इलाज है? बाकी MRI आपका होना है, MRI मेरा होना और बाकी इलाज होना है। तो उसके लिए भी दुआ करें कि अल्लाह तबारक ताला उसमें भी फजल करे, करम करे, रहम करे और अल्लाह तमाम बीमारों को शिफाए कामल और आजलाता करे। अल्लाह तबारक ताला आप सब का हामी और नासिर हो। अल्लाहुम या शाफिल अमराज, अल्लाहुम या काज़िल हाजात, अल्लाहुम या राफिल दरजात। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। बंद नहीं करना, बंद कर दे। नहीं, ऐसे हो जाएगा, ऐसे ही पहन लेते ना इसको। नहीं, वो नीचे अंदर गया हुआ है ना, इसको ऊपर कर। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 6 कीमो हो गई है और बस अब घर जा रहे हैं। और अल्लाह पाक अपना खास मेरे वालिद पे अपना करम फरमाए कि इसके बाद हमें इनमोल ना आना पड़े। बस एक इसके बाद हमारा टेस्ट है MRI का, इंशाल्लाह वो होना है। उसके बाद इंशाल्लाह देखेंगे फर्दर क्या कंडीशन, लेकिन बस इंशाल्लाह अल्लाह से बड़ी उम्मीद है कि हमें दोबारा यहाँ नहीं आना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया सब लोग की दुआओं का।